good morning students today i'm going to discuss about the second lecture of chapter 8 that is adaptations how plants survive in previous lecture we had discussed about um, different uh, plants that grows in different parts of uh, um, different parts on land so let's start the today's lecture plants that grow in plain regions these regions are normally neither too cold nor too hot plain regions kya hote hain ऐसे रीजन जहाँ का weather ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है trees such as mango peepal banyan and sheesham shish, uh, grow in plain areas ye kuch plants diye gaye hain jo ki plain area mein uh, survive karte hain grow karte hain uh, plain area means वहाँ वो area जहाँ का weather जहाँ uh, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है अडेप्टशन ट्रीज हैव मैनी ब्रांचेज दैट स्प्रेड अराउंड दिस इज द of ऑफ प्लांट्स दैट ग्रोज इन प्लेन एरिया इनमें एक फीचर क्या होता है कि इनमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और ये जो प्लांट होता है उसके, उसके चारों साइड स्प्रेड होती हैं फैली होती हैं नेक्स्ट देयर ब्रांचेस हैव मैनी फ्लैट एंड थिंन लीव विच हेल्प इन इवेपोरेटिंग एक्सेस वाटर कीपिंग दैम कूल इन ब्रांचेस में क्या होती हैं बहुत सारी फ्लैट और थिन लीव्स होती हैं पत्तियां होती हैं जो किस में हेल्प करती हैं जो भी एक्सेस वाटर होता है उसको इवेपरेट करने में हेल्प करती हैं और प्लांट को कूल cool रखती हैं जो भी लीव्स होती हैं ट्रीज की उनको कूल cool रखती हैं नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द ट्री ट्रीज कैन सर्वाइव इन वेरी हॉट क्लाइमेट एंड शेड देयर लीव्स इन ऑटम जो इनके जो प्लेन एरिया में जो प्ला ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं वो हॉट क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं और ये क्या करते हैं जो जब ऑटम का सीजन आता है तो ये अपनी सारी लीव्स को गिरा देते हैं शेड कर देते हैं न्यू लीवस ग्रोन अगेन है स्प्रिंग और जब स्प्रिंग का सीजन आता है तब प्लांट्स में फिर से नई लीव्स आती हैं। नेक्स्ट प्लांट्स दैट ग्रो इन मर्सी एरिया वो प्लांट जो कि मर्सी एरिया में ग्रो करते हैं वाटर लॉग्ड प्लेसेस आर कॉल्ड स्वम्प्स और मर्सेस क्या होता है वो एरिया जहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है कीचड़ टाइप का हो जाता है उसको क्या कहते हैं स्वम्प्स या मर्सेस मर्सी प्लेज हैव स्टिकी एंड क्ले सॉइल यहाँ की सॉइल क्या हो जाती है जब यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ की सॉइल क्या होती है स्टिकी होती है और क्ले हो जाती है चिप चिपी टाइप की हो जाती है मैनग्रूवस आर प्लांट्स दैट ग्रो इन मर्सी एरियाज मैनग्रूव प्लांट जो होता है जो कि इस तरीके का दिखता है वो क्या होता है वो मर्सी रीजन में ग्रो करता है अडाप्टशन हाउ डे अडेप्टेट सी रूट्स ग्रो आउट ऑफ द सॉइल टू बीथ एज द सॉइल डज नॉट अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ क्या होती है जो भी प्लांट की जैसे इस पिक्चर में दिया भी गया है कि ये जो प्लांट की जो रूट्स हैं वो सॉइल के ऊपर आ रही हैं सिर्फ जमीन के अंदर नहीं है ऊपर है क्यों है ऊपर क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल प्रेजेंट होती है वो उसमें वो जो रूट्स होती हैं प्लांट की उनको अच्छे से सरवा ब्रीद नहीं करने देती हैं सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स ये जो रूट्स मैनग्रोव प्लांट की जो ऊपर आ जाती हैं सॉइल के ऊपर आ जाती हैं और अदर प्लांट जिनकी भी रूट्स uh, ऊपर आ जाती हैं जो मर्सी प्लेसेस में ग्रो करते हैं उनकी रूट्स को क्या कहते हैं हम ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं नेक्स्ट रूट्स हैव टाइनी ओपनिंग्स एट देअर टिप्स और जो रूट्स की जो टिप होती है वहाँ पे छोटे छोटे छेद टाइप का होता है ओपनिंग होती है वो खुली होती है नेक्स्ट एक्टिक प्लांट एंड देयर एडाप्टन एक प्लांट कौन होते हैं जो कि जो पानी में सर्वाइव करते हैं वाटर में सर्वाइव करते हैंटिक प्लांट्स आर डिवाइडेड इन टू फॉलोइंग थ्री ग्रुप्स एक्वेटिक प्लांट्स को किन तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है फर्स्ट फ्लोटिंग प्लांट्स नेक्स्ट फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स एंड थर्ड अंडर वाटर प्लांट तीन टाइप के प्लांट दिए गए हैं फ्लोटिंग प्लांट फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट एंड अंडर वाटर प्लांट ये किसके काइंड हैं एक्वेटिक प्लांट्स के फ्लोटिंग प्लांट्स फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होते हैं सम प्लांट्स लाइक वाटर हाइसिंथ वोल्फिया पिस्तिया आंड डक वीट फ्लोट ऑन वाटर ये कुछ प्लांट्स दिए गए हैं जो क्या करते हैं जो जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं मीन्स तारते हैं अडाप्टशन इनमें अडाप्टशन कैसे होते हैं सम प्लांट्स आर ऑफ स्मॉल साइज इनमें कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे साइज में होते हैं नेक्स्ट सम प्लांट्स हैव लाइट एंड स्पॉन्जी बॉडीज ये प्ला कुछ प्लांट्स क्या होते हैं उनकी जो पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पॉन्जी होता है और वेटलेस होता है मीन्स उनका वेट बहुत कम होता है लाइट होता है हल्के होते हैं वो नेक्स्ट स्टेम्स आर रिड्यूस्ड एंड रूट्स आर नॉट वेल डेवलप्ड इनकी स्टेम्स क्या होती हैं बहुत लंबी लंबी स्टेम नहीं होती हैं छोटी छोटी सी स्टेम्स होती हैं और रूट्स क्या होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती नेक्स्ट लीव्स हैव थिन वैक्सी कोटिंग और लीव्स पे क्या होती है पतली पतली वैक्स की कोटिंग होती है नेक्स्ट फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट अब ये प्लांट्स जो वाटर में तो रहते हैं बट एक फिक्स जगह पे रहते हैं और फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होते हैं ये भी वाटर में होते हैं बट ये एक फिक्स जगह पे नहीं होते हैं वाटर पर फ्लोट करते रहते हैं मीन्स तैरते रहते हैं और फिक्स एक्वेटिक प्लांट्स मीन्स वो प्लांट जो पानी में रहते हैं बट एक जगह पे फिक्स रहते हैं सम प्लान्ट्स लाइक वाटर लिली एंड लोटस आर फिक्सड टू द बेड ऑफ द पोंड तो होता कुछ प्लांट्स जैसे वाटर लिली होता है लोटस होता है ये फिगर भी दिया गया है ये क्या होते हैं फिक्स होते हैं जो भी जहाँ पे भी ये जिस तालाब में पॉन्ड में होते हैं वहाँ पे ये एक जगह पे फिक्स होते हैं इनमें अडाप्टशन कैसे कैसे होते हैं दे हैव हॉलो एंड लाइट स्टेम्स दैट डट कीप लीव्स द एंड द फ्लावर अफ्लूट इनमें क्या होता है जो इनकी जो स्टेम होती है वो हॉलो मीनस खोखली होती हैं और लाइट होती हैं मतलब वेट में हल्की होती है एंड कीप द लीव्स एंड द फ्लावर अफ्लोट और इसकी वजह से क्या होता है इनकी जो स्टेम तो अंदर फिक्स होती है और जो रूट फिक्स होती है बट इनका जो फ्लावर फ्लार्स होते हैं जैसे ये लो, लोटस का फ्लावर दिया है ये ऊपर वो तैरता रहता है और लीव्स भी क्या करती हैं ऊपर पानी में तैरती रहती हैं नेक्स्ट देयर लीव्स आर ब्रॉड विद वैक्सी कोटिंग दैट प्रिवेंट्स दैम फ्रॉम रूटिंग रोटिंग क्या, क्या होती है इनकी लीव्स क्या होती हैं ब्रॉड होती हैं मीन्स चौड़ी होती हैं विथ वैक्सी कोटिंग जैसे कि फ्लोटिंग प्लांट्स में भी होती हैं जो लीव्स होती हैं उन पर थिन वैक्स की कोटिंग होती है वैसे ही जो फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट होते हैं इनमें भी वैक्स की कोटिंग होती है जिससे कि वो क्या करते हैं पानी में रहने के बावजूद ये इनकी पत्तियाँ क्या होती हैं और जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं रोट नहीं होते सड़ते नहीं है नेक्स्ट लीव्स हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सर्फेस टू ब्रीथ ईजली इनकी जो लीव्स होती हैं लीव्स के अपर सर्फेस पे स्टोमेटा प्रजेंट होता है जिससे कि ये प्लांट ब्रीथ कर पाते हैं और सर्वाइव कर पाते हैं नेक्स्ट देयर रूट्स आर फिक्सड टू द बेड ऑफ द पॉन्ट इनकी जो रूट्स होती हैं एज आई सेट बिफोर कि इनकी जो रूट्स होती हैं वो नीचे पॉन्ड में कहीं एक जगह पे फिक्स होती हैं ये फ्लोटिंग नहीं होती हैं मीन्स फ्री नहीं होती हैं मूवमेंट के लिए इन ये एक जगह पे बाउंडेड होती हैं फिक्स्ड होती हैं नेक्स्ट अंडर वाटर प्लांट्स सम प्लांट्स लाइक पॉन्ड वीड सी वीड एंड टेप ग्रास ग्रो एंड रिमेन अंडर द वाटर ये क्या होते हैं वो वाले प्लांट होते हैं जो कि पानी में आ, उसके ऊपर नहीं तैरते हैं ना ही ऐसा होता है कि इनके कुछ कुछ इनका कुछ पार्ट पानी के अंदर है लाइक रूट इस पानी के अंदर है जैसे फिक्स एक्वेटिक प्लांट में होता है और फ्लावर और लीफ ऊपर पानी के ऊपर तैर रहा हो बट बल्कि ये कौन से प्लांट होते हैं अंडर वाटर प्लांट्स जो कि परमानेंटली पानी के अंदर ही रहते हैं लाइक like जो पॉन्ड वीट होता है सीड uh, वीट होता है टेप ग्रास ये सब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि पानी में ही ग्रो करते हैं और पानी के अंदर ही रहते हैं इनमें अडाप्टेशन्स कैसे होते हैं लेट्स सी देयर लीव्स अराइज इन क्लस्टर फ्रॉम द रूट्स एंड डू नॉट हैव एनी स्टोमेटा क्या होती है इनकी लीव्स जो होती हैं वो रूट uh, से क्लस्टर मीन्स बहुत सा बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक साथ निकलती हैं और इनमें कोई भी स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है कहीं पर भी इनकी लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है नेक्स्ट जैसे जिस, कि यहाँ पे एक फिगर भी दिया गया है टेप वीट टेप ग्रास का जिनमें रूट से जो ये हमारी क्लस्टर में सारी लीव्स निकली हुई हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकली हुई हैं नेक्स्ट दे हैव लॉन्ग रिबन लाइक नैरो इनमें क्या होती है लंबी लंबी और रिबन लाइक रिबन कैसा होता है पतला सा लंबा सा होता है ना वैसे ही इनमें भी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं लॉन्ग होती हैं लंबी होती हैं रिबन लाइक नैरो नैरो मीन्स पतली लीव्स होती हैं इनमें जैसा कि ये टेप ग्रास में दिया भी गया है ये पतली पतली लंबी लंबी सी लीव्स हैं दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सर्फेस और ये जो प्लांट होते हैं जो अंडर वाटर प्लांट होते हैं ये कैसे ब्रीथ करते हैं जो भी इनका बॉडी सर्फेस होता है पानी के अंदर उसी से ये आ, ब्रीथ करते हैं अंडर वाटर प्लांट्स क्लीन द वॉटर बाई रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एक्जेल्ड बाई एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश एंड टर्बल देयर फोर सर्च प्लांट्स आर पुट इन एक्वेरियम्स क्या दिया गया है अंडर वाटर प्लांट जो कि हमें जो भी हमारा जो सी हुआ रिवर हुआ उसको क्या करता है क्लीन रखता है कैसे क्लीन रखता है क्योंकि उसके अंदर जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं सांस लेने में क्या करते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और सांस जब बाहर छोड़ते हैं तो करते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते, है? छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं तो ये क्या करते हैं ये अंडर वाटर प्लांट्स क्या करते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर से रिमूव करते हैं और जो वाटर प्रेजेंट होता है रिवर में एक्वेरियम में सीज में उनको क्लीन करता है देयरफॉर फोर सच प्लांट्स आर पुट इन एक्वेरियम्स इसीलिए ये प्लांट्स जो ऐसे होते हैं जिनको जो घर में लोग एक्वेरियम्स रखते हैं जिनमें फिशेस को रखते हैं उनमें भी रखते हैं ताकि उनका जो वाटर रहे वो उसको क्लीन करते रहें ओके क्लास दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर टू फर्दर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू क्लास